तो क्या है ना कि हम इंडियंस में एक बहुत ही खराब आ जाते हैं। तो ये रहे मेरे सारे एप्पल के प्रोडक्ट, टोटल कितने हो गए? एक, सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही सही रहा, काफी लोगों ने कमेंट किया कि आपके ऑल एप्पल प्रोडक्ट वाले वीडियो तो चाहिए ही चाहिए। तो आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहे ब्लॉग के साथ। सब तक स्टूडियो में वाईफाई लगा हुआ नहीं था, मतलब इंटरनेट का जितना भी काम हो सब जियो वोडाफोन से ही हो रहा था, काफी मुश्किल होता था। लेकिन फाइनली अभी जो है हम लोग वाईफाई लगवा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से इस एरिया में आया है, बाहर लग रहा है, चले एक बार देख के आते हैं। सो उधर देखिए वाईफाई वाला तार खींच रहा है और साहिल बैठा हुआ है। तो यहाँ इस वाले पोल से डायरेक्ट पहले ऊपर गया है, उसके बाद फिर अंदर हमारा स्टूडियो है, फिर उधर गया है तार। तार ऊपर फेंकने का परिश्रम आ गया। आजकल सीढ़ी बड़ा मस्त आ गया है, एकदम सीधे फोल्ड हो जाता है, छोटा सा हो जाएगा। स्टूडियो साउंड प्रूफ बनाने के चक्कर में इस रूम में एक भी ऐसा जगह नहीं है जिससे एक तार भी पास किया जा सके, पूरा रूम पैक है। वैसे हमने जब बन रहा था तो डिसाइड किया था, एक बड़ा सा होल यहाँ पे दिया था जिसमें एसी वाले सारे जगह कैप्चर कर लिए, तो कहीं भी एक ऑप्शन नहीं मिल रहा कि तार एक पास किया जा सके, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन मिला है। फिर हमने सोचा कि वहां से तार पास करके डायरेक्ट वाईफाई को उधर किसी वॉल में माउंट करवा दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सारा काम इधर होना है और वाईफाई लगा रहता वहां, तो लैन वायर क्रॉस करने में भी काफी मुश्किल होता है। तो सॉल्यूशन मिल गया है, सॉल्यूशन ये रहा, तार वहां से डायरेक्ट आया है और इधर से आते हुए यहाँ पे फॉर्चुनेटली एक छोटा सा छेद मिल गया है जिससे क्या है कि तार क्रॉस होके घर के अंदर वहां पे तार चला गया है। सो वाईफाई लग चुका है, अभी मैं स्पीड टेस्ट करूंगा, बस आप स्पीड देखो कितना सही आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट किया और ये देखो 108.9 Mbps का डाउनलोड स्पीड आ रहा है, और अपलोडिंग स्पीड देखने कितना आ रहा है, और ये देखो अपलोडिंग स्पीड भी कांस्टेंट है, अराउंड 80-90 Mbps का अपलोडिंग स्पीड भी मिल जा रहा है, तो बहुत ही सही, अब मजा आ जाएगा अपलोड करने में वीडियोस। सो गाइस चले करते हैं शुभारंभ। सो ये रहे मेरे सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स, और सारे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट अलग है, परचेस करने का पर्पस अलग है, और सारा प्रोडक्ट अलग अलग ड्यूरेशन में ही परचेस किया गया है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे लाइफ का जो सबसे पहला एप्पल प्रोडक्ट है वो है मेरा ये मैकबुक प्रो, और इसे परचेस करने में जो एक फील आया था, क्योंकि किसी भी ब्रांड के आप फर्स्ट प्रोडक्ट परचेस करते हैं और ऑब्वियसली बात है एप्पल के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो आपके लाइफ का सबसे पहला है उसका फील अलग होता है। चाहे आप कितना भी ये सब परचेस कर लो ना, जो पहला वाला फील आया था वो अलग था। एक्चुअली देखो क्या है ना कि मैं यूट्यूब में काफ़ी पहले से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 साल की ही बात है, 2015 में मैंने अपना सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था। पहले मैं कवर सॉन्ग्स अपलोड करता था, बहुत सारे लोग पुराने होंगे तो उनको उस चैनल के बारे में पता होगा, एकॉस्टिक कैफी नाम से है, आज भी मैंने डिलीट नहीं किया है, अगर आज भी जाओगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो उस समय भी मोबाइल से ही पहले अपलोड होता था, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास नहीं था, मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं था। फिर घर में थोड़ा बहुत मैंने प्रेशर बनाया कि लैपटॉप की ज़रूरत है, तो काफ़ी मतलब कलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेस किया, जो कि समथिंग 20,000 में मैंने परचेस किया था, ये HP का था। इससे आप एक आइडिया लगाओ कि क्या सिचुएशन होगा कि मैंने उस समय एक नया लैपटॉप भी परचेस नहीं कर पाया। तो मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेस किया, फिर इससे जो है कम से कम 2 साल काम किया होगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लगा कि चैनल अब ग्रो हो रहा है तो थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, तो फिर इस लैपटॉप को छोड़कर मैंने शिफ्ट किया ये मैकबुक प्रो में, और ये मेरे लाइफ का सबसे पहला एप्पल का प्रोडक्ट है। काफ़ी बढ़िया फील हुआ था, आप इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी देखोगे, मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, उस ब्लॉग से आपको साफ दिखेगा कि यार मैं कितना खुश था। क्योंकि क्या है ना कि एप्पल के प्रोडक्ट्स मैं सिर्फ जो है टीवी पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के हाथ में देखा करता था, और फाइनली मैं एप्पल के प्रोडक्ट को परचेस करने वाला था, बहुत एक्साइटेड था। तो ये मेरे लाइफ का सबसे पहला एप्पल का प्रोडक्ट है जो मैंने मैकबुक प्रो परचेस किया था। ये उस समय कॉस्ट किया था मुझे 1,60,000 रुपया समथिंग का, अभी तो थोड़ा प्राइस कट हो गया होगा। तो ये मेरे लाइफ का सबसे पहला एप्पल का प्रोडक्ट हुआ। दूसरा प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था वो ऑब्वियस सी बात है एक आईफोन था, वैसे मैंने उसे सेल कर दिया अभी। वो मैंने आईफोन 11 128 GB परचेस किया था, वो समथिंग मुझे 74,000 रुपीस का पड़ा था, पर मैंने उसे सेल कर दिया। सेल क्यों किया वो थोड़ा आगे बताते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या परचेस किया गया वो मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने परचेस किया ये एप्पल का ही एयरपॉड्स प्रो, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सही चीज़ है, अब तक मेरा सबसे फेवरेट एप्पल का प्रोडक्ट इसी को बोल सकते हो, क्योंकि घर में भी यूज़ करता हूँ बाहर भी यूज़ करता हूँ। तो ये समथिंग मुझे 25,000 इसकी MRP थी, और डिस्काउंट में मैंने 21,000 समथिंग मैंने परचेस किया था। तो ये मेरा थर्ड एप्पल का प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने परचेस किया
ये एप्पल का वॉच, ये एप्पल वॉच सीरीज 6 है, ये एप्पल वॉच सीरीज 6 है। सीरीज 6 मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि सबसे लेटेस्ट भी था और लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मतलब एप्पल एक ऐसा इकोसिस्टम है ना कि आप इसके कोई एक भी प्रोडक्ट भी परचेस कर लोगे ना तो ये आपको फोर्स करता है कि ये भी परचेस कर लो, वो भी कर लो, क्योंकि इनका इकोसिस्टम इतना सही है ना कि अगर आपका मान के चलो आईफोन में कॉल आ रहा है, अगर आप मैकबुक में काम कर रहे हैं तो आपका मैकबुक से कॉल रिसीव हो जाएगा, कोई डेटा अगर ट्रांसफर करना है एक क्लिक में हो जाता है। दैट्स व्हाई लोग जो है एप्पल के इकोसिस्टम में घुसते जाते हैं और मैं भी तो घुस ही चुका हूँ, देख लो इतने सारे प्रोडक्ट हैं। तो एप्पल वॉच परचेस करने के बाद ये मैंने परचेस किया था आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट आईफोन है, और आईफोन 11 सेल करने का यही मकसद था कि मुझे परचेस करना था लेटेस्ट आईफोन। तो आईफोन 11 मैंने सेल किया, उसके बाद फिर ये परचेस किया। ये समथिंग मुझे 1,30,000 का था लेकिन HDFC कार्ड के डिस्काउंट के साथ समथिंग 1,24,000 रुपये मिल गया था, और एप्पल वॉच जो है वो मैंने 44,000 परचेस किया। धीरे धीरे मैं खुद को भी अपग्रेड करता गया तो सोचा चलो आईफोन भी अपग्रेड कर लिया जाए, तो आईफोन 11 सोल्ड करके मैंने ये आईफोन 12 प्रो मैक्स परचेस किया। ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसका डिज़ाइन ना ये साइड वाला बहुत ही मस्त है, आप देखोगे ना तो दूर से ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये आईफोन 12 प्रो मैक्स हो गया, एंड उसके बाद फिर जो मैंने परचेस किया था ये बहुत ही सही चीज़ है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये है आईपैड प्रो एंड ये सबसे लेटेस्ट वाला है जो M1 चिप में लॉन्च हुआ था ये है, और ये मेरे लाइफ का सबसे पहला प्रोडक्ट होगा जिससे मैंने MRP में परचेस किया था। जैसे कि इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट सारा MRP में नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला लेकिन इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ये समथिंग 72,000 या 75,000 का था, और ये एप्पल पेंसिल ये MRP में भी परचेस किया था मैंने, ये 11,000 समथिंग का था। तो उसके बाद फिर मैंने इतने सारे प्रोडक्ट के बाद ये आईपैड प्रो परचेस किया, एंड फाइनली ये है हमारा लेटेस्ट iMac जो कि आपने देखा हाल ही में, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, इतने सारे लोग अप्रिशिएट किए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, और इतने सारे मोटिवेटेड कमेंट आए हैं ना कि यार बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा देख करके। तो फाइनली ये मैंने एप्पल का M1 वाला iMac भी परचेस किया जो सबसे लेटेस्ट है, और इसकी लुक तो सबसे ज़बरदस्त है, मतलब कोई एक बार देखेगा तो भाई कोई भी रूम में अगर आता है ना तो एक बार देखता है तो पूछता है भाई क्या चीज़ है, मतलब चीज़ ही अलग लगता है। और इसके साथ एसेसरीज आते हैं, ये इसका एक कीबोर्ड हो गया, एंड उसके बाद फिर ये इसका माउस हो गया, माउस काफ़ी स्लिम और काफ़ी मस्त दिखता है ये। तो ये रहे मेरे सारे एप्पल के प्रोडक्ट, टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास फ़िलहाल एप्पल के हैं, और सारे प्रोडक्ट में एक चीज़ कॉमन है बस ये वाले लैपटॉप को छोड़कर कि सारे जो है अब तक का सबसे लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट है। मतलब ये आईफोन भी है ये अब तक का सबसे लेटेस्ट है, मतलब इससे ऊपर अभी कोई आईफोन का सीरीज लॉन्च नहीं हुआ है, आईफोन 12 प्रो मैक्स है, अभी आईफोन 13 नहीं आया है, तो ये सबसे लेटेस्ट है और इससे ऊपर अभी कुछ नहीं आया है। उसके बाद फिर ये एयरपॉड्स प्रो भी है, ये भी सबसे लेटेस्ट है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं आया है, ये भी सबसे लेटेस्ट हो गया। एंड उसके बाद फिर ये एप्पल वॉच सीरीज 6 है, और सीरीज 7 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये भी अब तक का सबसे लेटेस्ट हो गया। और ये आईपैड प्रो यह भी अब तक का सबसे लेटेस्ट है, मतलब इससे भी ऊपर कोई भी आईपैड लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये बोला जा सकता है कि जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट है सारे लेटेस्ट है, इससे ऊपर अभी कोई भी एप्पल ने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। बस ये मैकबुक थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि ये मेरा पुराना साथी है भाई, बहुत ही करीब है मेरे, क्योंकि जितना टाइम मैंने इस मैकबुक के साथ स्पेंड किया है ये सब तो आजकल में परचेस किया हुआ है तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये सबसे करीब है यार, मेरे लाइफ का सबसे पहला है, बहुत सारे काम मैंने निकाले और इसी मैकबुक के ज़रिए ये सारे प्रोडक्ट आए हैं, क्योंकि मैंने काम किया इसी के साथ, दिन रात इसी पे मेहनत किया हूँ, तो डेट्स वाई मैं इतने सारे प्रोडक्ट भी परचेस कर पाया हूँ। तो मैं लाइफ में इस मैकबुक को तो कभी नहीं शोल्ड करूँगा क्योंकि ये मेरे सबसे करीब है, और ये वाला ये HP का जो लैपटॉप है ये भी मैं कभी सोल्ड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये दो चीज़ मेरे सबसे करीब है भाई। तो ये रहे फाइनली मेरे सारे एप्पल के प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कब आप लोग वीडियो ला के दोगे, तो फाइनली आ चुका है, और कमेंट करके बताइएगा कि टोटल सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होता है, मैंने कॉस्ट भी बताया, कमेंट करेगा देखते हैं लोग कितना गेस कर पाते हैं सही से। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई इतना सॉफ करने की क्या ज़रूरत है, तो देखो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को एज अ सॉफ लेते हो तो आप खुद को ही डीमोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस लेवल से उठकर आया हूँ, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो पता होगा 2015 से मैं वीडियो डाल रहा, पहले कवर सॉन्ग्स डालता था, बहुत ही मतलब जर्नी मेरा काफ़ी दूर का रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चैनल आप देख रहे हो बस 30-35 वीडियो है तो मैं अभी YouTube में कल परसों आया, ऐसा कोई बात नहीं है, 2015 से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जिस जगह से उठ के आया हूँ, जिस लेवल से उठ के आया हूँ, अगर आप मेरे जर्नी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई
ये सब चीज अचीव करने में टाइम लगा है। ये सारे प्रोडक्ट अचीव करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मतलब अभी मेरी एज क्या हो रही है, 21 साल का हूँ। मतलब 21 साल में मैं इतने प्रोडक्ट परचेस कर लिया हूँ एप्पल का, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं एज अ मोटिवेशन ये सब वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं शॉप का, मेरा तो काम है भाई। अगर शॉप रहता तो मैं बहुत और भी कुछ शॉप में कर सकता था, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन ये सारे काम है, सारे प्रोडक्ट से मैं काम निकालता हूँ, अचीवमेंट क्या हूँ, दैट्स व्हाई मैं वीडियो शूट करके देता हूँ कि जब मैं कर सकता इन द एज ऑफ 21 तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको मेरे वीडियो को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा सारा वीडियो आप उठा के देखो, आए दिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट ही मैं अपने आप को यहां पे इस ब्लॉग में दिखाता हूं। सारे वीडियो में देखना, कुछ ना कुछ नया चीज आपको मिलेगा जो कि मैं परचेस करता हूं, या कुछ ना कुछ अचीवमेंट ही होता है। तो ये चैनल खोलने का पर्पस ही यही है कि आपको मोटिवेट कर पाऊं, जब मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई ये सारे प्रोडक्ट एक बार मैंने दिखाया। कोई भी प्रोडक्ट एक बार में नहीं परचेस किया गया है, सब में काफी टाइम लगा है। 2015 से आज 2021 हो चुका है, तो इतने साल के ड्यूरेशन में ये सारे प्रोडक्ट को अचीव किया गया है। इतना आसानी से एक दिन में सारा परचेस नहीं हुआ है। तो खैर, ये रहा आज का अनबॉक्सिंग नहीं, ये था एक रिव्यू। और सारे प्रोडक्ट का अलग से ब्लॉग बना हुआ है, जिस दिन मैं परचेस करता था सारा ब्लॉग अपलोड है। तो आप चाहो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, सारे प्रोडक्ट का आपको ब्लॉग का भी लिंक मिल जाएगा। आप मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन भी देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट परचेस करके मुझे कैसा फील हुआ। तो सारे ब्लॉग को भी चेकआउट कर लेना। सो, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपके पास कौन सी बाइक है, आपने कभी बताया नहीं। वैसे एक कार तो है अपने पास, ये मेरी बाइक नहीं है, ये अंकल की है। तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है अपना ये स्कूटी, जो कि अपना साथी है। और अब तक मैंने बाइक क्यों नहीं परचेस किया वो मैं चलिए आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। देखो क्या है ना कि हम इंडियंस में एक बहुत ही ख़राब आदत है, मतलब हम लोगों में ना दिखावा बहुत होता है यार। जैसे कि चार फ्रेंड्स है, तो अगर कोई एक फ्रेंड सर्कल में कोई बाइक खरीद लिया, मस्त वाला एकदम बाइक जो 200-300 सीसी का है, तो घर में आकर के भाई खाना कंसर्न कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए घर वाले को परेशान करके रख देंगे कि मुझे भी अब बाइक चाहिए। क्योंकि भाई अपना दोस्त भी परचेस किया है, भले हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे कि मैं उससे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ईएमआई जा रहा है कैसे जा रहा है कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन खरीदना है तो खरीदना है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा फ्रेंड खरीद लिया है, अब वो कॉलेज बाइक से जाएगा, मैं ऑटो से कैसे जा सकता हूँ। ये वाला भावना बहुत ही ज़्यादा है, और स्पेशली लड़कों में ये तो होता ही है। 18 के हुए कि नहीं घर में भाई खाना कंसर्न लग जाएगा, नहीं बाइक चाहिए तो चाहिए, ऑटो से कॉलेज वॉलेज नहीं जाएंगे। और अभी आप देखो मेरे पास ऑलमोस्ट एप्पल के प्रोडक्ट हो गए, अभी मैंने आपको दिखाया सब लाखों में है, लेकिन अभी भी मैंने देखो बाइक नहीं परचेस किया और मैं ये स्कूटी पे ही घूमता हूँ। इसका रीज़न यही है कि मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा। जैसे कि क्या है, मेरे पास एप्पल के जितने गैजेट है सबसे मैं काम निकाल रहा हूँ, मैं आज नहीं तो कल उसके पैसा को वसूल कर ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे अर्निंग का एक सोर्स है। लेकिन बाइक अभी मुझे कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्स नहीं लगा कि मैं बाइक खरीद करके भाई कुछ कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई मैंने अभी तक बाइक परचेस नहीं किया, स्कूटी पे ही घूमता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे लोगों के पास मस्त मस्त बाइक है, जब कभी शाम में मिलना होता है ना तो सब मस्त मस्त बाइक लेकर के आता है, मैं भाई अपना यही स्कूटी लेकर के आता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आता है। क्यों माना भाई, मुझे पता है कि जब मेरे को काम का चीज़ नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, स्कूटी से भी वही काम हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है कि जिस चीज़ को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से आप पैसा कमा सकते हो, जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू भरता है, तभी जाके उस चीज़ को परचेस करना। नहीं तो ऐसे फालतू में दिखावा, वो खरीद लिया तो मुझे भी खरीदना है, घर वाले को परेशान कर रहे, नहीं खरीद के तो उन्हें तो ये कर लेंगे वो कर देंगे, खाना नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये सब तो भाई बेवकूफ़ी है। हाँ, अब क्या है कि देखो एक सोर्स ये भी हो सकता है कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये मोटो ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए बाइक की ज़रूरत होती है। तो चाहे आप एप्पल का प्रोडक्ट परचेस करो या ना करो एडिटिंग के लिए, मोबाइल से ही एडिट कर लो चलेगा, लेकिन बाइक एक सही खरीद लो। तो इसे कहते हैं बैलेंस पे में कोई प्रोडक्ट को परचेस करना और पैसे को बैलेंस करके रखना, तभी जाके आप हो पाएगा। फिजूल खर्ची करोगे भाई जिसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल है भाई, आपको फिर कोई संभाल नहीं सकता है। तो दैट्स व्हाई मैंने अभी तक तो परचेस नहीं किया है, लेकिन अब थोड़ा बहुत प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग का भी अब थोड़ा बहुत क्रेज चढ़ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाइक वगैरह लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर इस वीडियो में एटलीस्ट 100 कमेंट ऐसा आता है जिसमें लोग बोल रहे कि भाई बाइक परचेस कर लो, तो मैं सोचता हूँ और डेफिनेटली एक नया बाइक भी परचेस करने का सोचूंगा। 100 कमेंट करके लो, देखते हैं भाई, ये चैलेंज आप लोगों को भी थोड़ा देते हैं।
तब मजा आएगा ना। मेरी भी एज कितना कुछ खास नहीं है, 21 साल की एज है। मुझे भी लगता है कि मस्त मस्त बाइक करूँ, इधर उधर घुमाओ, लेकिन भाई मन को मारो और जिस चीज़ से पैसा बना सकते हो उसी चीज़ में इन्वेस्ट करो। ये फालतू दिखावा जो होता है ना हम इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा है कि मेरा दोस्त ले लिया भाई मुझे भी चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे घर में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, दूर रहो भाई सब चीज़। ये सब बस 4-5 दिन की ही बात है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचो तो और अच्छा रहेगा। तो यही बात थी। तो चलो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ घर में जा करके। अभी मैं सारे फुटेज चेक कर रहा था यार, मैं तो बड़ा अंकल जैसा साउंड कर रहा हूँ। खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे सोचने का तरीका है, हो सकता है आपके सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैंने लाइफ में एग्जाम्पल देखा है कि किसी फैमिली का बजट 1 लाख रुपये का है, 1 लाख रुपये का बाइक खरीदने का है, लेकिन प्रेशर आता है कि नहीं चाहिए तो KTM चाहिए, 2 लाख रुपये वाला चाहिए। सो दैट्स वाई उस थॉट से मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। देखो क्या ना, बाइक और ये सब एप्पल प्रोडक्ट एक मतलब बहाना समझ लो, लेकिन जो मैं विजन आपको दिया हूँ प्लीज़ उसको ध्यान में ज़रूर रखना। मैंने खुद फॉलो किया, मुझे सही लगा, दैट्स वाई मैं ये सब आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी लाइफ आपकी है, आप अपने मर्जी से जी सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट परचेस कर पाया, क्योंकि यूट्यूब ही एक सोर्स है जिससे मैं सारा भी अर्निंग कर पा रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आज की ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलता है अगले ब्लॉग के साथ, तब तक।